मतलब स्केटबोर्ड बोलूँ ना मैं, हाँ अलग ही लेवल का गया डूड, अलग ही। मेरे को देख के बहुत मजा आया, मैं आधा घंटा मतलब उधर ही बैठ के देखते रह गया डूड। स्केटबोर्ड इतना हार्ड उन लोग कर रहे थे, मेरे एज के ही बंदे लोग थे, क्या स्केटबोर्ड कर रहे थे ना। बोलना मत किसी को, सीक्रेट है। व्हाट्सअप गाइस, हम लोग देख सकते हो मेरे साथ अनूप है, हम लोग आए किधर है, अब लोकेशन देख लो, बताते किधर है। हम लोग आ गए एकदम गार्डन के मतलब एंड में आ गए, यहाँ पे राइट लेफ्ट में भी बहुत जगह है, एंड वाला आपको दिखा देता हूँ थोड़ा क्या एक्चुअल में है क्या। मोस्टली बच्चे लोग के लिए कैसे हैं गार्डन, आ सकते हैं क्या बच्चे? कपल्स का फट्टे सीन है क्या? ठीक है अच्छा, लेकिन बच्चे आते हैं भाई, बच्चे लोग का थोड़ा ना अलग बनाया है, देख सकते हो अभी इधर बच्चे लोग खेल सकते हैं, अच्छा झूला वीला सब है, बिंदास आ सकते हैं मतलब खेल सकते हैं। और कपल्स लोग के लिए भी है, कपल्स लोग के लिए ज़्यादा अच्छा है वो साइड है, तो उधर लोग कपल्स लोग मचाते हैं अपना, मचाते गए टपा टप टप। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो हम लोग हम लोग अपना ऐसे ही चिल करने आ गए अनूप को, मैं बोला कि अनूप चल घूमते थोड़ा, तो गार्डन है किधर एक्चुअली आपको बताऊंगा, अब देखो पहले कैसा लगा। अरे यहाँ पे एक लेक भी है, अनूप लेक के बारे में क्या बोलेगा, लेक दिखा दे इन लोगों को। हाँ भाई दिखाएंगे ना, तो लेक भी बहुत अच्छा है, लेक है ना मोस्टली मुझे बहुत पसंद है, मैं जैसे गार्डन में गया ना लेक देखा ना मैं बोलते ना खुश हो गया एकदम, मस्त व्यू एकदम और शांति फील होगी, आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग आपको दिखा रहे हैं एक्चुअल में पूरा कैसा है व्यू ये गार्डन का, अभी हम लोग ने भी थोड़े मतलब फोटोशूट वगैरह किए, अगर आपको ये गार्डन के फोटोज़ देखने रहेंगे तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, देखो यहाँ अनूप के इंस्टाग्राम पे भी आप आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, तो आपको अगर अच्छा लगा फॉलो भी कर सकते हो, और चैनल में नए हो सब्सक्राइब मारो, सब्सक्राइब करो, एक से एक मैं बहुत सारी जगह गया, मेरे चैनल में आके देख लेना, आपको अच्छे अच्छे प्लेस के सजेशन आएंगे। तो आपको लेक का व्यू भी दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे लेक भी, लेक बहुत मस्त है, और यहाँ पे फोटोशूट करने के लिए तो बहुत अच्छा जगह, आप देख सकते हो पीछे वाला जो रो स्ट्रीट टाइप लुक है ना उधर, आप फोटोशूट हार्ड कर सकते हो। तो अनु क्या बोल रहा है, अभी सब इधर देखो बहुत सारे प्लेसेस है, इधर इधर देखो कुछ बंदे डांसिंग भी कर रहे हैं, अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और खाली बाहर टिकट कितना है? 5 रुपये, 5 रुपये टिकट है खाली बाहर, तो आप 5 रुपये टिकट लो, मस्त अपना शूट कर सकते हो आराम से। और यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर भी आते हैं, रील वाले जैसे टिकटॉक बैन है तो अभी रील ही है इंडिया में, वही रील टिकटॉक की है, तो रील वगैरह डांस भी इधर करते हैं डांसर से यार, इधर स्टेडियम गाइस आपको दिखा दो। तो यहाँ पे अभी अनूप ने एक चीज बताया, अनूप क्या है बोल, यहाँ पर पीस पीस मतलब शांति भी है, और यहाँ पे वाचनालय भी, अगर पढ़ना है तो आप इधर पढ़ भी सकते हो न्यूज़पेपर वगैरह, पीछे साइड आप देख सकते हो, शांति बहुत है भाई, शांति तो भाई बहुत है। तो आपको दिखाते हम लोग, और यहाँ पे खेलने के लिए स्केटिंग भी कर रहे हैं, स्केटिंग भी कर सकते हैं, अपना एक दोस्त है पॉल मिलर, पॉल मिलर इधर आ जा भाई, तू स्केटिंग करे बंदे का शेयर करेंगे भाई, पॉल मिलर करके मेरा एक फ्रेंड है भाई, स्केटिंग करता है तो इतनी बार लगा है ना फिर भी भाई स्केटिंग करेगा, ये बंदे का रिकॉर्ड कर रहा है स्केटिंग भाई। गार्डन में आए क्यों अनूप, क्या रीजन है गार्डन बाकी गार्डन से अलग क्यों है?
भाई इधर ना हम लोग ने सबसे बेस्ट चीज जो देखा ना स्केटबोर्ड देखा, स्केटिंग इधर इधर दिया हुआ है पूरा, फिर बाजू में उसके बाजू में वॉचनल है, फिर उसके बाजू में डांस तो और बंदे लोग भी जो है ना ऐसा आलतू फालतू नहीं है, अच्छे खासे सब करने वाले हैं। वीडियो में देखना, मैंने स्केटबोर्ड का ना वीडियो लिया, उसमें डालूंगा मैं। तो मतलब स्केटबोर्ड बोलूँ ना मैं, अलग ही लेवल का गया डूड, अलग ही, मेरे को देख के बहुत मजा आया। मैं आधा घंटा मतलब उधर ही बैठ के देखते गया, स्केटबोर्ड इतना हार्ड उन लोग कर रहे थे, मेरे एज के ही बंदे लोग थे, क्या स्केटबोर्ड कर रहे थे ना। हम लोग का एक दोस्त थे पॉल मिलर करके, उसको वीडियो भेजूंगा मैं कि भाई देख इधर स्केटबोर्डिंग होती है हमारे यहाँ। और जो रीडिंग करना है जिसको पीसफुल जगह चाहिए, तो यहाँ पे वाचनालय भी है, तो आप रीडिंग आराम से कर सकते। और दूसरा डांसर भी इधर दिखे भाई, मूव्स अलग अलग दिख रहे थे, तो ये मतलब बाकी गार्डन में गया हूँ मेरे को इतना देखने नहीं मिला, मेरे को सिर्फ कपल्स वगैरह ही दिख रहे थे। तो आपको दिखाता हूँ, बाकी आप व्यू देख रहे हैं कमेंट में बताना कैसा लगा। स्टेडियम में Won't you wait for me? I need you to stay right there. I'm coming right.